संबल से बड़ी खबर है। थाना प्रभारी और दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। युवक की मौत के मामले में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने का इन पर आरोप है। बड़ी खबर संबल से, थाना प्रभारी और दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। युवक की मौत का मामला के फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का इन पर आरोप है। सांप काटने का, फर्जी रिपोर्ट बनवाने का इन सभी पर आरोप, इनको सस्पेंड किया गया है। पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप है। ट्रैक्टर चालक से पुलिस ने अवैध वसूली की थी। ट्रैक्टर चालक को प्रताड़ित करने का भी आरोप है। एक रात थाने में रोककर युवक की पिटाई करने का आरोप है। हताश होकर पीड़ित ने फांसी लगाकर जान दी थी। कैला देवी थाना इलाके के शोभापुर मिलक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, थाना प्रभारी दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एक युवक की मौत का मामला है और इस मामले में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने का इन पर आरोप है। सांप के काटने का, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया और ये दिखाया गया कि युवक की मौत सांप के काटने से हुई है, ना कि खुदकुशी करने से। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसको पीटा, प्रताड़ित किया, जिसके बाद वो इतना आहत हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये आरोप है कि पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बनाई, जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट बनाई उन पर ये कार्रवाई हुई है। उबैदुर रहमान हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। उबैदुर रहमान, क्या डिटेल्स है इस पूरी खबर को लेकर? थाना प्रभारी और दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिनको अभी तक सस्पेंड किया गया है। जी हाँ, ये संभल के कैला देवी थाने का मामला है। वहाँ एक गांव में मंदिर में भराव हो रहा था और ये जो युवक था जिसकी मौत हुई थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली से भराव का काम करता था। आरोप परिवार वालों का ये है कि उसको ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पुलिस वालों ने अवैध वसूली करने के लिए सीज कर दिया था और थाने में बंद कर दिया था। उसके बाद उसको प्रताड़ित किया गया और उसके बाद जब उसे छोड़ दिया तो उसने आत्मग्लानी में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन पुलिस वालों ने उसका पंचनामा भर किया और फर्जी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई और उसमें दिखा दिया कि उसको सांप के काटने से मौत हुई है। लेकिन जब आला अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई और हाई लेवल पर जांच हुई तो जांच में पाया गया कि जो अनियमितता थी वो पाई गई और पारदर्शिता नहीं रखी गई थी, तो इस लिहाज से ये चारों पुलिस वाले जो है वो दोषी पाए गए जांच में। और उसके बाद DIG रेंज शरद माथुर ने चारों को लाइन हाजिर करने के साथ साथ उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये एक युवक की मौत का मामला था जिसमें फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बनवा करके मौत की जो घटना थी उसको जो है लेपापोती करने की कोशिश की थी। लेकिन उबैदुर, ये मामला बहुत गंभीर है। अगर इस मामले के प्रकाश में आने के बाद ये नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम यानी PM रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक पता चलता है कि आखिरकार जुर्म किस तरीके का था। क्या ये लोग ऐसा पहले भी करते थे या अब इनके रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा? देखिए, जो परिवार वालों ने उसकी डेड बॉडी के फोटो और जो घटना स्थल के फोटो उपलब्ध कराए थे जांच अधिकारी को, उससे साफ जाहिर था कि शरीर पर चोटों के निशान थे। लेकिन जब पंचनामा भरा गया तो कहीं चोट का निशान नहीं लिखा गया था और जो डॉक्टर थे पोस्टमार्टम करने वाले उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर थे स्वास्थ्य विभाग के भी मिले हुए थे, तो इसलिए उन डॉक्टरों के खिलाफ भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र जो है DIG की तरफ से लिखा गया है। तो ये एक तरह से मिली भगत थी डॉक्टरों की पोस्टमार्टम करने वालों की। बिल्कुल, ये दोनों ही अगर देखा जाए विभाग के लोगों ने अपने पेशे का मजाक उड़ाया है, अपने पेशे का खिलवाड़ किया है। जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी बनाई जाती है, डॉक्टर्स PM यानी पोस्टमार्टम करते हैं, रिपोर्ट में कुछ और लिखते हैं। यहां पर ये मामला प्रकाश में आया है, लेकिन जांच बैठाई जाएगी या पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से केसेस रहे होंगे जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस तरीके से मॉडिफाई करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके पूरे केस का एंगल बदल पाए होंगे। ये महकमे के लिए, डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया उबैदुर जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।